गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम भावना, योर मैथ्स टीचर. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 15, विच इज़ अबाउट पैटर्न्स. ओके, तो यहाँ पर देखो, पहले हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं एग्जाम्पल के साथ, पहले हम इसे करेंगे, देन वी विल स्टार्ट आर एक्सरसाइज वर्क. तो अभी देखो इसमें क्या बोला, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय ऑब्जर्विंग पैटर्न. इस पैटर्न को हमें फॉलो करते हुए इसको फिल करना है. जैसे देखो यहाँ दिया है 37 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 1. 37 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 111. इट मींस 111. 111 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 ही आएगा. ऐसे ही देखो 37 मल्टीप्लाई बाय 3, मैं एक बार मल्टीप्लाई करके भी दिखा देती हूँ आपको. जैसे क्या दिया है, 37 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 7 21, 2 कैरी, 3 3 9 प्लस 2 11, 111 आ गया. फिर इन्होंने क्या बोला था, फिर उसको भी मल्टीप्लाई करना है 3 से. 111 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 333. तो इधर क्या आ जाएगा, 333. तो देखो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, पहले 111, फिर 222, 333. अब ऐसे ही आप इसको क्या कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 111 आएगा, फिर उसको 4 से करेंगे तो 444 आ जाएगा, फिर ऐसे ही पैटर्न फॉलो होता जाएगा तो 555 आ जाएगा. इसी तरीके से ऐसे ही फिर नेक्स्ट देखो दिया है 15873 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड मल्टीप्लाई बाई 1. जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 111111. ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111111 आएगा. फिर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 से देखो, जैसे बोला 111111 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 1 2 2 2 2 2 2, तो 6 times 2 आ जाएगा. तो क्या हो गया, 6 times यहाँ पर भी 2 आ गया. इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करा तो 111111 एंड देन मल्टीप्लाई विद 3, फिर क्या आ जाएगा हमारा, 333333. तो इसी तरीके से आगे फॉलो होगा तो 400,000 में आ जाएगा. ओके, फिर फॉलो होगा तो 500,000 में आ जाएगा. तो इस तरीके से ये जो पैटर्न है वो आगे फॉलो होता रहेगा. फिर देखो नेक्स्ट हमें दिया है ई पार्ट, 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 7, 9 9 81, 81 में 7 प्लस किया तो 88. इसी तरीके से 98 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से. ठीक है, फिर उसमें क्या कर देंगे, 6 प्लस करेंगे. मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ कैसे, 98 विल बी मल्टीप्लाइड विद 9, 9 8 72, 9 9 81 एंड प्लस 7 88 88, यानी 882 आया. उसमें हमने 6 प्लस किया, 6 प्लस कर देंगे, 888 आंसर आ गया. ओके, तो इसी तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें हम 5 प्लस कर देंगे तो 888 आ जाएगा. तो आंसर जो है, पहले 2 8 3 8 4 8, फिर 5 8 6 8 7 8 आ जाएंगे. इसी तरीके से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें हम 4 को प्लस कर देंगे, जो भी हमें डिजिट दे रखी है प्लस करने के लिए. फिर देखो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, एज द डिविडेंड इंक्रीज इज द क्वेश्चन ऑल्सो इंक्रीजेज. अगर डिविडेंड इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो क्वेश्चन भी ऑब्वियसली कि बड़ा ही आएगा. जैसे 8 डिवाइडेड बाई 4 दिया है, तो 4 के टेबल में 8 किस पे आता है, 2 पे. ऐसे ही 84 के टेबल में आता है, 20 पे. तो इस तरीके से इसे डिवाइड करना है. ओके, जैसे यहाँ पर 16 दिया है, 16 जो है 8 के टेबल में किस पे आता है, 8 के टेबल में 16 2 पर आता है. ठीक है, तो 8 2 16, क्वेश्चन इज 2. इसी तरीके से 160, 8 2 16 एंड 0 0 का 0, दैट विल बी 20. इसी तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 20 200 2000. तो ये पैटर्न जो है बेसिकली उसी का ही बारे में है. अब देखो 24 है, 12 के टेबल में 24 सबको पता है, 2 पर 12 2 24. अब 12 के टेबल में 240 किस पे आएगा, 20 पर, जब आप डिवाइड करोगे तब. ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा. ओके, फिर देखो हमें यहाँ पर दिया 6000 डिवाइडेड बाई 3. देखो जब भी हमें पहले देखना डिवाइड किसे करना, वंस की वैल्यू से, वंस की वैल्यू से डिवाइड करना है. तो इसके भी हम क्या देखेंगे, जो डिजिट है वो हम देखेंगे. 00 तो एज इट इज़ हमारा आ जाएगा. अब 3 दिया है और 6 है, 3 के टेबल में 6 किस पे आता है, 2 पर. 0 का 0 एज इट इज़ आ जाएगा. या आप इसे डिवाइड करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, 3 2 6, आपको इतना लंबा करना पड़ेगा, फिर इससे बढ़िया डायरेक्ट हो जाएगा.
ऐसे देखो 6000 दिया है, 6000 दिया है और डिवाइडेड बाय 30 है, ये डिवाइडेड बाय, जिसे हम अपॉन में भी बोलते हैं, ओके। 30 के पास 10 है तो 10 से 10 कट गई, अब 3 2 6 और आंसर आ गया 200, ओके। तो ये आप खुद करोगे। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, स्टॉप कैलकुलेटिंग व्हेन यू सी अ पैटर्न फिलिंग द रेस्ट बाय यूजिंग द पैटर्न। अब देखो इसे हमें क्या करना है, 9 है, 9 माइनस 1 दिया है, ओके। 9 में से 1 जाएगा तो ऑब्वियस है कि 8 बचेगा। अब क्या हुआ, ये 8 डिवाइडेड बाय 8 हुआ, अब 8 के टेबल में 8 आता है 1 पर, तो फिर 1 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 98 में से 2 माइनस किया तो 96 आया, डिवाइडेड बाय 8। अब 8 से डिवाइड करके देखेंगे हम 96 को, 8 वन ज़ा 8 एंड 8 टू ज़ा 16, तो हमारा आंसर आया 12। 987, अब देखो 9876 दिया, 9876 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9872। अब इसको डिवाइड किससे करना है हमें, 8 से, 8 से करेंगे, 8 वन ज़ा 8, 9 में से 8 गए 1, 8 टू ज़ा 16, 2 बचा 7, 8 थ्री ज़ा 24, 7 में से 4 गए 3 एंड 2 उतारा, 8 फोर ज़ा 32, तो आंसर क्या आया 1 2 3 4, ओके। ऐसे ही 1 2 3 4 5 कंटिन्यूटी में ये आगे जो है बढ़ता जाएगा, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, आपका होमवर्क है ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं बुक में पेज नंबर 173 तक, उसे आप फिल करेंगे। थैंक यू।